पवन खेसारी और नीलकमल के आगे अभी भारत के दूसरे सिंगर्स एकदम फेल साबित हो रहे हैं भोजपुरी का गाना भारत में सबसे ज्यादा चल रहा है यूट्यूब पर नजर दौड़ाइएगा तो हर तरफ भोजपुरी के गाने ही ऊपर टॉप पर ट्रेंड करते हुए दिख रहे हैं और जो यूट्यूब का ट्रेंडिंग म्यूजिक सेक्शन है वहां पर भोजपुरी का गाना तो टॉप पर ट्रेंड कर रहा है लेकिन इसके बाद अगर आप दूसरे इंडस्ट्री के किसी गाने को खोजेंगे तो कोई दूसरा गाना ढूंढने से नहीं मिल रहा है अभी क्रिकेट का मौसम चल रहा है वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है क्रिकेट के वीडियोस ट्रेंड कर रहे हैं यहाँ तक कि दूसरे देशों के जो टेलीविजन सीरीज होते हैं वेब शो होते हैं उनके वीडियोस, फिल्मों के ट्रेलर ट्रेंड कर रहे हैं लेकिन दूसरे इंडस्ट्रीज का गाना दिखाई नहीं दे रहा और वहीं भोजपुरी का गाना सबसे टॉप पर ट्रेंड कर रहा है पवन सिंह का एक कल गाना रिलीज होता है और पहले ही दिन एक ही दिन में ये गाना पूरे भारत में नंबर एक पर ट्रेंड करने लगता है और इसके अलावा खेसारी भी कम नहीं है खेसारी भी ट्रेंडिंग म्यूजिक सेक्शन में एकदम टॉप थ्री में ट्रेंड कर रहे हैं नीलकमल सिंह का ऐसे ही एकदम जलवा छाया हुआ है और भोजपुरी के गाने वो यूट्यूब का मेन ट्रेंडिंग सेक्शन हो या ट्रेंडिंग म्यूजिक सेक्शन हो

किसी ना किसी एक सिंगर का गाना यूट्यूब का ट्रेंडिंग म्यूजिक सेक्शन हो मेन ट्रेंडिंग सेक्शन हो ट्रेंडिंग म्यूजिक वीडियो सेक्शन हो मतलब कि हर जगह भोजपुरी के गाने ट्रेंड करते रहते हैं और ऐसे ही वो भोजपुरी के पवन सिंह हो खेसारी लाल यादव हो नीलकमल सिंह हो या कई सारी फीमेल सिंगर शिल्पी राज शिवानी सिंह तमाम ऐसी गायिकाएँ हैं जिनके गाने हमेशा ट्रेंड करते रहते हैं मतलब कुल मिलाकर बात ऐसा है कि भोजपुरी के गाने हमेशा चर्चा में रहते हैं लेकिन पिछला एक दो महीना जो बीता है उस समय एक तरफ खिसारी पर वो एग्रीमेंट का विवाद वाला झगड़ा शुरू होता है एकदम से चर्चा होती है कि खिसारी का करियर अब बर्बाद हो जाएगा खिसारी को गाने ही नहीं दिया जाएगा वो एग्रीमेंट में के विवाद में ऐसे फंसे हैं कोर्ट का जो फैसला आया है उनका गाना गाना एकदम रुक जाएगा इसके अलावा पवन सिंह जो सावन का समय होता है उसके बाद एक दो गाने अच्छे रिलीज करते हैं और उसके बाद जितना गाना आता है वो चलता नहीं है और वो लंदन चले जाते हैं फिल्म के शूटिंग में और उनके गानों का एकदम से सूखा पड़ जाता है लगभग एक से डेढ़ महीने पवन सिंह के गाने नहीं आते दूसरे तरफ खेसारी विवाद में फंसे होते हैं और ऐसे में भोजपुरी गानों का जो क्रेज था भोजपुरी इंडस्ट्री का जो जलवा था वो एकदम से फीका पड़ गया कहीं भोजपुरी के गाने दिखाई नहीं दे रहे थे अकेले नीलकमल सिंह थे जो भोजपुरी को थोड़ा जिंदा करके रखे हुए थे टॉप टेन में एक दो गाने उनके कहीं दिख जाते थे या वो भी गायब रहते थे लेकिन ये एकदम से जो सूखा था वो अब समाप्त हुआ है और फिर से भोजपुरी गाने भोजपुरी इंडस्ट्री भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री अपने पुराने रंग में लौट आई है अभी अगर आप जो YouTube का मेन ट्रेंडिंग सेक्शन है उसमें टॉप पर वाला गाना देखेंगे तो वो गाना है कैसन पियावा के चरित्र बा एक दिन पहले ये गाना रिलीज हुआ है ये सीक्वल आया है दूसरा पार्ट है टू पॉइंट वो है और पहले ही दिन इस पे साढ़े तीन मिलियन व्यूज हो जाता है और गाना नंबर वन पर जो पूरे भारत में नंबर एक पर जो ट्रेंडिंग मेन सेक्शन होता है जहां पे पूरे भारत के दूसरे दूसरे जॉनर्स के वीडियो ट्रेंड करते रहते हैं वहां ये गाना नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है इसके अलावा पवन सिंह का एक और गाना जिसका नाम तुझे ना देखू तो चैन है पाँच दिन पहले आया था पांच दिन में बारह मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोर चुका है और ये ट्रेंडिंग म्यूजिक सेक्शन में नंबर तीन पर ट्रेंड कर रहा है इसके अलावा उनका एक और गाना धनिया ये जान जिसमें लगभग दो सप्ताह के अंदर में ही पच्चीस मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं यानी पवन का अकेले तीन चार गाना लगातार एकदम चर्चा में बना हुआ है खूब ट्रेंड कर रहा है खूब चल रहा है इसके अलावा अगर खेसारी की बात की जाए तो खेसारी का गाना आया था बिहार में हुई विवाद में फंसने के बाद एग्रीमेंट के जाल से थोड़ा निकलने के बाद उनका एक गाना आता है और गाना आता है तो इसको दर्शकों ने एकदम हाथों हाथ लिया और और ये गाना भी ट्रेंडिंग म्यूजिक सेक्शन में नंबर दो पर ट्रेंड कर रहा है एक सप्ताह के अंदर ही साढ़े सात मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं इसके अलावा नीलकमल सिंह का गाना ठीक इसके बाद ट्रेंड कर रहा है जिसका नाम है पगली देखावे अगरबत्ती और ये भी एक सप्ताह से कम में साढ़े छह मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोर चुका है यानी ट्रेंडिंग म्यूजिक सेक्शन में नंबर दो तीन चार लगातार तीन भोजपुरी के गाने ट्रेंड कर रहे हैं और पूरे भारत में जो नंबर वन वीडियो है वो पवन सिंह के गाने का है गाने का नाम है कैसन पियावा के चरित्र बा टू पॉइंट वो यानी भोजपुरी के गाने पांच से छह गाने लगातार वो भी ट्रेंड कर रहे हैं एकदम चर्चा में बने हुए हैं और इनके सामने भोजपुरी के अलावा जो भारत के दूसरी इंडस्ट्रीज है दूसरी म्यूजिक इंडस्ट्री है दूसरे जो गायक हैं इनके गाने कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और भोजपुरी पुराने तरीके से फिर दोबारा से राज करने लगी है बाकी इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा चंद्र जंक्शन देख रहे थे आप बहुत बहुत धन्यवाद